गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस क्या है, आज का जो मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुबह से कोहरा जो है तो पड़ने लगा है। इधर देख सकते हैं पीछे का, ये देखो बिट्टू आ गई टमाटर लेकर। यू क्या कर रहे हो? कोहरा देखो काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। नाम आरोही है। वादा करो बिट्टू। ये देखो सुबह का टाइम, गांव के अंदर भी कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है सुबह के टाइम का सीन। इधर देखो ताप रहे, ठंडी काफ़ी ज़्यादा आज हो रही है। ये देखो भाई ऊपर से, छत के ऊपर से दिखा रहे हैं नज़ारा गांव के अपने। देखो कितना ज़्यादा कोहरा आज पड़ रहा है इधर। ये सारे घर तो अच्छी तरह से साफ ही नहीं दिखाई दे रहे, वहाँ तक देखो ये पूरा। ये देखो विकास भाई लतूंग कर रहे हैं अभी। इनका क्या करे हो? घोड़े में बंद भाई। घोड़े में कहाँ होगा? ये पत्ता है, कहाँ पत्ता है? लड़के पत्ता घोड़े में है। घोड़ पाक गया का? अच्छा मैं चुकुल गरबा में लगावा यार। नड़कुल के पत्ता भैया तोड़ रहे हैं सुबह सुबह। ये रोड जो है तो हमारे गांव को सीधा चली जाए इधर। ये सोनू भाई आ रहे हैं, देखो हमारे गांव का सरकारी स्कूल देख रहे हैं सामने। और गाइस क्या है, आ गए हैं अपने गांव के छोटे से चौराहा बंदगी नगर को आ गए हैं। तो अभी चल रहे हैं खेत को, चल रहे हैं जिस खेत में आलू बो रखा है, तो वो खेत आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी दिनों के बाद भाई यहां पर आलू वाले खेत को अपने चल रहे हैं। और गाइस देख सकते हैं ये आ गए हैं अपने आलू के खेत को आ गए हैं, जो कि आलू में आज पानी लगा है हमारे खेत में। देख सकते हैं ये 2 महीने का आलू हो गया है इसमें। काफ़ी दिनों के बाद में जो है तो पानी लग रहा है। ये काफ़ी जो है तो पुराना इंजन है, देखा धुआं कितना ज़्यादा निकल रहा है। और गाइस क्या है, अभी हम चल रहे हैं और कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि हम तो पानी लगा नहीं पाएंगे भाई, झुकने में काफ़ी ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत पड़ रही है, दर्द होने लगता है। तो चलते हैं थोड़ा बहुत आप लोगों को और कुछ दिखाते हैं गाँव का। गाइस इधर देख रहे हैं सामने, तो इसमें मछलियाँ पाली हुई थी, सारी मछलियाँ जो है तो मार लिए हैं। पूरा तालाब जो है तो सूखा पड़ा हुआ है। जल की व्यवस्था की जा रही है, उन्हें के लिए सप्लाई के लिए पाइप जो है तो पड़े हुए हैं। और चलते हैं आप लोगों को दिखाते इधर ही कहीं टंकी बन रही है जहाँ से पानी आएगा गांव के लिए, सप्लाई किया जाएगा पानी घर घर जाने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं। और गाइस ये देख रहे हैं काफ़ी दूर आ गए हैं, ये देख सकते हैं पाइप जो पड़ा हुआ है पानी का सप्लाई के लिए गाँव को जाने के लिए। तो वहाँ पर सामने दूर वहाँ पर जो है तो टंकी का काम जो है शुरू हो रहा है। दिखाते हैं आप लोगों को अभी कितना काम जो है तो चल रहा है। अभी गाइस क्या है, आ गए हैं टंकी के पास में जहाँ पर जो है तो टंकी का देख सकते हैं बाउंड्रेशन किया जा रहा है। यहाँ पर यहीं से जो तो गाँव को पानी जाएगा। ये इधर पाइप पड़ा हुआ है डायरेक्ट सप्लाई पानी के लिए, यहीं से जो है तो पानी जाएगा गाँव तक। इधर देख सकते हैं अभी बाउंड्री चारों तरफ बन रही है इधर। ये गाइज क्या है, जो टंकी बन रही है तो उसका बाउंड्रेशन का काम जो है तो चारों तरफ बाउंड्री जो टंकी की होती है वही काम अभी चल रहा है। समथिंग 1 से 2 महीना हो गया है बाउंड्री करते करते, और अभी बाउंड्री ही बन रही है। और आप लोगों को बता दें कि टंकी का जो काम है तो समथिंग 1 साल से कम नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तब जाके टंकी बन के तैयार होगी। फिर उसके बाद में है जो तो गाँव तक पानी पहुँचाया जाएगा। क्या है, आ गए हैं अपने गाँव के छोटे से चौराहे पर, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर जो है तो 3 घुमटियाँ रखी हुई हैं। इधर ये बाल कटिंग की तो दुकानें हैं, और इधर पीछे सिलाई की दुकान है। ये है मेरे गांव का छोटा सा चौराहा। गाइस क्या है, अभी दाढ़ी जो है तो देख सकते हैं ये बरमा चुके हैं, और एक ऐसा लुक लग रहा है, लोग नीचे कमेंट में जरूर बताएं कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं अभी चल रहे हैं घर को।